Good evening, everyone. My name is Jyoti Shukla, and we are here to study public administration. And this is paper 2, which we are discussing. And today, our unit is center-state relations. And the topic is administrative, legislative, and the financial relations between the center and state. और ये जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का, ये हमारा दो लेक्चर्स में कंप्लीट होगा. दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 74 है. और इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा, लेक्चर 75, उसमें ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट होगा. एंड ऑल्सो दिस इज़ अवर वेबसाइट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जिसमें अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, जिससे रिलेटेड आपको सारा मटेरियल ऑनलाइन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ द PDFs एंड द वीडियोज़. तो अगर आपको किसी भी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो ये जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप इसके ऊपर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं. और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं, तब भी आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अगर कोई भी नया वीडियो नोटिफिकेशन आ रहा है, स्पेशली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो वीडियोज़ होते हैं उसमें, वो काफ़ी जल्दी अपडेट होते रहते हैं और बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस. और अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के PDFs चाहिए तो ये जो टेलीग्राम का नंबर है, इसका जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको काफ़ी सारी जो PDFs हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी. और इसके साथ ही आप हमारे वीडियोस को जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है. नाउ कमिंग टू द टॉपिक विच इज़ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 की, वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. एंड इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वी नीड टू स्टडी कि जो सेंटर और स्टेट है, क्योंकि हमारी कंट्री ऑल्दो एक यूनिटरी फीचर है, उसका एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर है, बट उसके साथ साथ कुछ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारी पॉलिटी में नज़र आते हैं, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. तो जो हमारे कुछ फेडरल फीचर्स हैं, जहाँ पे माई स्टेट्स को भी कुछ पावर मिली हुई है और सेंटर के पास भी जो गवर्नमेंट है, सेंटर के पास भी पावर है, यहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट की गवर्नमेंट अलग बनती है स्टेट गवर्नमेंट. तो ये जो दोनों फॉर्म ऑफ द पॉलिटी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक बेहतर रिलेशनशिप का डेवलप होना और मेंटेन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि ओवरऑल जो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल मशीनरी है पूरी कंट्री की, ठीक है, वो ढंग से काम कर सके. तो इसके लिए सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में एक एमिकेबल रिलेशनशिप का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब ये जो रिलेशनशिप होते हैं, ये सिर्फ ऐसे तो है नहीं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच के रिलेशनशिप्स की बात हो रही है. इन रिलेशनशिप में काफ़ी सारे डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप आपका कैसा है, फिर है कि फाइनेंशियल रिलेशन कैसा है, फिर है कि आपका जो है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप कैसा है. तो ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं आपका, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप और फाइनेंशियल रिलेशनशिप, इन तीनों को हम लोग इन दो लेक्चर्स में देखेंगे और कवर करेंगे, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वो प्रोविजंस हैं जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियरली डिफाइंड रहें, ताकि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना हो सके. लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स तब भी नहीं होते हैं, या फिर एक स्टेट के दूसरे स्टेट के बीच में नहीं होते हैं. काफ़ी सारे ऐसे मैटर्स बीच बीच में क्रॉप होते रहते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स भी अराइज होते हैं, और फिर हम उनको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे. या फिर सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस के ऊपर जो हमारी कमीशन बैठी है, जैसे कि काफ़ी सारी कमीशन बैठी हैं, उनमें से दो इम्पॉर्टेंट कमीशन जो कि सरकारी या कमीशन और पंछी कमीशन है, उनके क्या रिकमेंडेशंस हैं कि किस तरीके से हम एक बेटर रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा डेवलप और मेंटेन कर सकते हैं, फॉलोइंग द सेम काइंड ऑफ द पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच वी विल डिस्कस, ठीक है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बींग फेडरल इन नेचर डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक फेडरल नेचर भी है. फेडरल नेचर इस तरीके की कि हम अपने स्टेट्स को अपने यूनिट्स मानते हैं, कि ठीक है पूरा स्टेट है, पूरी हमारी कंट्री है, उसका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और जो स्टेट्स हैं वो हमारी यूनिट्स की तरह पे काम करते हैं, ठीक है. उनको कुछ फेडरल पावर भी प्रोवाइड की गई है, उनका अपना लेजिस्लेचर हो सकता है, एक चीफ मिनिस्टर होता है, वो अपनी पॉलिसीज़ को खुद डिफाइन कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट्स को डिफाइन करते हैं, कुछ हद तक ऑटोनॉमी भी मिली है, हालांकि कंट्री से या फिर कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम से रिसीड होने की या फिर उससे अलग होने की जो फ्रीडम है वो बिल्कुल भी नहीं है. पॉलिटिकली काफ़ी इंटैक्ट है हमारा सिस्टम, लेकिन काफ़ी सारे जो डिसीजंस हैं, अगर उनके पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड हैं या फिर उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने से रिलेटेड है,
तो उन सबको बेहतर करने के लिए इतनी लगभग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी गई है कि वो आसानी से अपना काम कर सकते हैं, आराम से अपना काम कर सकते हैं और अपना लेजिस्लेचर सेटअप करके अपनी पार्टी को पावर में ला करके स्टेट के लिए जो भी उनको काम करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वो फेडरल नेचर का भी है, तो जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, वो डिवाइड किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। नाउ द हार्मनी एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। अब ये कि अगर फेडरल सिस्टम को हमारे काम करना है ढंग से तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच का, वो काफ़ी एकदम ऑप्टिमम सिचुएशन में एकदम मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि कोई एक स्टेट है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर देना चाहता है या फिर इट डज नॉट वॉन्ट टू रिमेन एज अ पार्ट ऑफ द कंट्री, या फिर उसको सेंटर के साथ ये लगता है, या फिर अब ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वेस्ट बंगाल के और सेंटर की गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है, ये जो एक सिचुएशन अराइज हो गई है ये एक बिल्कुल भी हारमोनियस सिचुएशन नहीं है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि CBI वगैरह भी जो हैं, जो एजेंसीज हैं आपकी, उनको भी वहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं की जा रही थी। अगर हम बात करें कि काफ़ी बहुत बड़ी पार्टी है BJP, उसके जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनके हेलीकॉप्टर को भी वहाँ पे एक दो बार उतरने नहीं दिया गया। तो ये जो एक तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है वेस्ट बंगाल में, इट इज़ अ कम्प्लीटली अनवेलकम सिचुएशन। और अगर बात की जाए एक फेडरल सिस्टम को मेनटेन करने की और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बेहतर रिलेशन को डेवलप करने की, तो उस सिचुएशन का कम्प्लीटली उल्टा हो रहा है आज के परिदृश्य में। अगर एग्जाम्पल दिया जाएगा तो वो होगा वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट का इन द ईयर 2019, ठीक है। फिर है लेकिन हारमोनी और कोऑर्डिनेशन आपको मेंटेन करना है, क्यों? अगर क्योंकि हारमोनी और कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं होगा, जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा और जो हमारी कंट्री है और जो स्टेट्स हैं उनका काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस टू मेंटेन एंड रेगुलेट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी बुक है, विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, और ऐसा कोई भी लॉ हमारी कंट्री में ना तो पार्लियामेंट बना सकती है, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, ना ही कोई प्रेसिडेंट ऐसा ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकता है जो हमारे इस लॉ के वॉइड हो। यानी कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो इससे कॉन्ट्राडिक्टरी बैठता है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री का, उसमें ऑलरेडी वो सारे के सारे प्रोविजंस मेंटेन हैं जो कि रेगुलेट करते हैं उन सभी डायमेंशंस को जो सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को बनाने का काम करता है, ठीक है। अब सेंट्रल रिलेशंस के जो रिलेशंस हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच के, दे आर डेल्ट इन 3 ways। उनको मोटा मोटा जो है वो 3 categories में डिवाइड किया गया है कि सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन है उनको हम किन 3 dimensions में बेसिकली मोटा मोटा डील करते हैं। तो एक है आपका लेजिस्लेटिव डायमेंशन, दूसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा है आपका फाइनेंशियल। कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिवीजन ऑफ पावर्स हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में। फिर ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे हैं दोनों के बीच में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को अलग अलग रखा गया है, हर एक प्रोविजन बनाया गया है ताकि दोनों के बीच में किसी भी तरीके का टेंशन क्रिएट ना हो या फिर कोई कन्फ्यूजन की सिचुएशन ना हो। फिर आती है आपका फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन, वो इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल आर द मेजर सोर्स ऑफ दी वर्क। अगर मैं कहूँ हम कोई भी काम करना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को करना है, तो हर काम को करने के लिए डेफिनेटली उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी। अब ये जो फाइनेंस है इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी क्लियर कट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और कोई भी ऐसे प्रोविजंस नहीं होने चाहिए जिनमें इस तरीके की कन्फ्यूजन्स जो है वो बिल्डअप हों ताकि दोनों के बीच में एक स्ट्राइफ यानी कि एक डिस्प्यूट अकर हो सके। तो ऐसे सिचुएशंस को रोकने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो कैसे होंगे, और इसके साथ साथ जो है हमारे जो फाइनेंस कमीशन है वो भी डील करता है कि किस तरीके से जो भी रेवेन्यूज पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आता है
उसको किस तरीके से सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाएगा। फिर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी हर साल बजट बनाती है, बजट बनाने के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो भी अपने अपने लेजिस्लेचर में अपना बजट लेकर के आते हैं, एक एनुअल बजट जहाँ पे डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। प्लस काफ़ी सारे टैक्सेस हैं जो कि प्री डिफाइंड है कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो कौन लेवाई करेगा, उनको कौन कलेक्ट करेगा और कौन रिटेन करेगा, वो सेंटर करेगा कि स्टेट करेगा कि दोनों मिलके करेंगे, और उन टैक्सेस से जितना भी रेवेन्यू मिलेगा वो किसके पास मिलेगा। तो ये हर एक चीज़, हर एक बात जो है वो क्लियर कट डिफाइंड है। और अगर ऐसी कोई चीज़ है हमारे पार्लियामेंट में जिसका जिक्र नहीं है किसी ऐसे टैक्स का, या फिर कोई फ्यूचर में अगर ऐसी कोई ज़रूरत आती है, तो वो जितनी भी रेसिडुअरी चीज़ें होती हैं, रेसिडुअरी का मतलब ये है जो भी बचा हुआ है और जिसका मेंशन नहीं है फिलहाल अभी प्रेजेंट पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके ऊपर लॉ बनाने का जो अधिकार है वो हमेशा पार्लियामेंट का होता है। कोई भी मैटर हो, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर हो, चाहे लेजिस्लेशन से हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर से हो, अगर ऐसा कोई भी मैटर है जिसके बारे में फिलहाल तो कोई मेंशन नहीं है लेकिन इन फ्यूचर दैट मैटर कैन इरप्ट, तो उसका जो रेसिडुअरी पावर होता है वो हमेशा पार्लियामेंट के पास में होता है। नाउ इन द सेंटर एंड द स्टेट रिलेशनशिप्स वी विल स्टार्ट विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस, की सेंटर और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं वो किस तरीके से डिफाइंड है, क्या क्या डिफाइंड है। तो ये है कि आर्टिकल 245 टू 255 इन द पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस का मतलब होता है लॉ मेकिंग रिलेशंस, जो लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉ को बना सकते हैं, इसका जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में वो हमारा किस में डिफाइंड है, वो हमारा डिफाइंड है इन द पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल है 245 से 255 के बीच में, जो कि डिफाइन करता है सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस को। फिर है लाइक एनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू बोथ द टेरिटरी एंड सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन। फिर है कि किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था उसको क्या कहते हैं, ये हमारा एक कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन काइंड। जैसे कि एक ऑथर ने कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हम इसको कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर नहीं मानते बिकॉज यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उनको कभी भी अपने आप से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए ये एक कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही टोटली यूनिटरी है, बल्कि ये यूनिटरी इट इज़ अ फेडरेशन बट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। इस तरीके से हम अपनी इंडियन पॉलिटी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं कि जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक फेडरेशन है ऑफ इट्स ओन काइंड, या फिर हम ये कहेंगे ये एक फेडरल सिस्टम है बट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, और यहाँ के जो हमारे फेडरल यूनिट्स हैं यानी कि जो स्टेट्स हैं उनको कभी भी सेंटर से अलग होने का अधिकार नहीं है, ऐसी कोई भी उनको पावर नहीं दी गई है। और जब हम अभी इन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, तो हर जगह हम ये पाएंगे कि ऑल्दो स्टेट लेजिस्लेचर को काफ़ी सारे मैटर्स पे अधिकार दिए गए हैं लेकिन फिर भी हर जगह पे कहीं ना कहीं जो यूनियन की या फिर जो सेंटर की सुप्रीमेसी है उसको ज़रूर मेंटेन किया गया है, ठीक है, कि स्टेट लेजिस्लेचर जितने भी हैं उनको उनके अधिकार और पावर्स दिए गए हैं ताकि वो अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको भी ढंग से मेंटेन कर सके, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको भी ढंग से फंक्शन कर सके, ये सारा काम कर सके, बट उसके अलावा भी जितनी भी रेसिडुअरी पावर्स होती हैं या फिर जितना ज़्यादा कंट्रोल जहाँ पे एक्सरसाइज करना है या फिर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर्स है जहाँ पे, जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स है उन सब पे लेजिस्लेट करने का जो ज़्यादा अधिकार है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिला है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा दिया गया है। अगर हम ये कहें कि इंक्लिनेशन जो है पावर्स का, तो पावर्स का इंक्लिनेशन जो है इन द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जो इंक्लिनेशन है पावर्स का वो सेंटर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं उन सबको उन सब के ऊपर लेजिस्लेट करने का अधिकार जो है वो सेंटर को ज़्यादा मिला है। फिर देर आर फोर एस्पेक्ट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव रिलेशंस, तो सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस को हम चार एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में
जो हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. तो पहला है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, कि सेंटर भी लेजिस्लेट कर सकता है, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी है, सेंटर के पास भी पार्लियामेंट है. अच्छा, स्टेट भी आपका लेजिस्लेट कर सकता है, उसके पास भी लॉ मेकिंग बॉडी है, विधानसभा है. और अगर आपके स्टेट जो है वो बाइकार्मल है तो वहाँ पे विधान परिषद भी है. ठीक है, फिर दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, कि जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, कि कौन कौन से मैटर्स पे कौन सी बॉडी लेजिस्लेट कर सकती है. तीसरा है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, कि वो कौन से मैटर्स हैं या फिर वो कौन से प्रोविजंस हैं जहाँ पे पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाता है उन मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेट करने का, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार के अंदर आते हैं. फिर है सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, और स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर सेंटर का कितना कंट्रोल है और कैसे है. ठीक है, तो पहला जो प्रोविजन हमारा वो हम देखते हैं कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है और कितना है सेंटर और स्टेट लेजिस्लेशन का, कि सेंटर भी लेजिस्लेट कर सकता है, स्टेट का भी लेजिस्लेशन पावर है, दोनों को मिला हुआ है. ठीक है, एक लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. अब दोनों का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट का मतलब ये है कि कितनी टेरिटरी तक उसका जो लॉ है वो अप्लाई होता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी किसको रूल करती है, पूरे देश को रूल करती है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसने अगर कोई लॉ बनाया है, किसी चीज़ को, किसी एक्ट को लेजिस्लेट किया है, तो उसका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो कितना होगा, वो पूरी कंट्री के ऊपर होगा. यानी कि जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसका जो एप्लीकेबल है वो पूरे के पूरे देश के ऊपर होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर. जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उतने ही मैटर को, उतने ही एरिया को रूल करता है जहाँ पर उसकी स्टेट की टेरिटरी है. अगर महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का एग्जांपल लें, तो अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर लेजिस्लेट करती है, जैसे कि उन्होंने लास्ट ईयर 9/11 रिसीप्ट्स बनाई थी, ठीक है, जो आपकी लैंड रिकॉर्ड के ऊपर थी, लैंड रिकॉर्ड के ऊपर आपकी रिसीप्ट थी कि आप ऑनलाइन उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपने लैंड का. ठीक है, तो ये जो उन्होंने जो लॉ बनाया था विच वॉज अ वेरी नोविस वन, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी टेरिटरी पे अप्लाई होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में ही अप्लाई होता है. वो रूल आप केरला में या फिर तमिलनाडु में अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनके स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है. तो वो कहाँ तक अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके स्टेट तक अप्लाई होगा, उनके स्टेट के बाहर अप्लाई नहीं होगा. यहाँ तक कि दमन एंड दीव, तो महाराष्ट्र स्टेट के काफ़ी पास है, वो दमन एंड दीव पे भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो अलग यूनियन टेरिटरी है, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पे अप्लाई होगा. तो जब टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करते हैं, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर हम उनके लेजिस्लेटिव पावर्स के टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करते हैं, तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द फॉलोइंग वेज, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो सेंटर और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनके टेरिटोरियल लिमिट को डिफाइन करता है फॉलोइंग वेज में, कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि पार्लियामेंट जो आपका है वो या तो किसी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए या फिर पूरे के पूरे देश के लिए कोई भी कानून बना सकता है. फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड एनी अदर एरिया विच मे बी इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज या फिर वो कोई भी टेरिटरी जिसको आगे चल करके भारत अक्वायर कर सकता है. तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, जो भी यूनियन गवर्नमेंट किसी भी मुद्दे पे अगर लॉ बनाता है, तो वो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया तक अप्लाई है, या फिर उसके किसी पार्ट पे, जहाँ पर भी यूनियन गवर्नमेंट चाहे. ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और ऐसी कोई भी टेरिटरी या फिर कोई भी एरिया जिसे इंडिया बाद में अक्वायर कर सकता है. अब अगर हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, वो या तो उसके पूरे प्रदेश में या फिर उसके प्रदेश के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर अप्लाई होगा. जैसे कि हम यूपी का एग्जांपल लें, तो यूपी में अगर कुछ लॉज जो हैं वो बुंदेलखंड एरिया के लिए ही स्पेसिफिकली बनाए गए हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो बाकी के उत्तर प्रदेश पे अप्लाई ना हो करके सिर्फ बुंदेलखंड एरिया पर ही अप्लाई हो. ये अधिकार उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के पास में है. और अगर हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, पूरे पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर ही वो आपका अप्लाई हो, तो वो भी पॉसिबल है. लेकिन यूपी के बाहर किसी भी एरिया पर यूपी के गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ
एप्लीकेबल नहीं है. फिर द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन मीन्स दैट इज एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बना सकती हैं. अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जितने भी भारतीय भारत से बाहर रह रहे हैं उनके ऊपर भी वो लॉ अप्लाई कर सकता है या फिर उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो दुनिया में कहीं पर भी है. तो ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है इसको बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है. तो ये तो था हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंट. ठीक है, कि टेरिटोरियल एक्सटेंट का मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, जो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, वो पूरे भारत के ऊपर या फिर भारत के किसी एक पार्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है. अगर आपका स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है तो वो आपके पूरे प्रदेश पर या फिर प्रदेश के किसी एक पार्ट पर अप्लाई हो सकता है, उसके बाहर अप्लाई नहीं हो सकता है. और पार्लियामेंट के पास पावर होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बनाने की, यानी कि ऐसा लेजिस्लेशन जो कि आपका किसी भी भारतीय के ऊपर जो भारत के बाहर रह रहे हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टी का कहीं पर भी है तो उसके ऊपर भी उनके रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है, अब अगर हम टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. तो एक्सेप्शंस ये हैं कि हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग दर्जा दिया गया है, जैसे कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, स्पेशली जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है, दादरा एंड नागर हवेली है. तो इसको जो इससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस बनाने का अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा है, यानी कि प्रेसिडेंट के डायरेक्ट अंडर रेगुलेशन के अंडर में ये आपकी 4 यूनियन टेरिटरीज आती हैं, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव. तो ये जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं दे कम अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द प्रेसिडेंट. इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो इन एरियाज के रेगुलेशन इन एरियाज के पीस प्रोग्रेस या फिर उसकी बेहतरी के लिए कोई भी रेगुलेशंस बना सकते हैं. इसके अलावा जैसे बात हम करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज की या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो ऑटोनोमस रीजन्स हैं वहाँ पर भी, तो गवर्नर डेफिनेटली इस बात के लिए एम्पावर होता है कि वो किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को ये डायरेक्ट कर दे कि वो उसके एरिया के उसके रीजन के शेड्यूल एरिया में अप्लाई नहीं हो सकता. यानी कि गवर्नर के पास अगर उस स्टेट में कोई शेड्यूल्ड एरिया है तो उसके पास डेफिनेटली ये पावर होती है कि वो ये कहे कि ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ये उनके शेड्यूल्ड एरिया में अप्लाई नहीं होता है. और सेकेंडली इट आल्सो अप्लाइज टू द गवर्नर ऑफ असम एंड मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो अगर कोई पर्सन, मतलब अगर त्रिपुरा, असम, मेघालय या मिजोरम के कोई गवर्नर हैं तो वो ये भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपका ऑटोनोमस रीजन्स जो है, जो यहाँ के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता. तो जो टेरिटोरियल एक्सटेंट की हम बात कर रहे थे, जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टेरिटोरियल एक्सटेंट की हम बात कर रहे थे कि वो पूरे भारत पर अप्लाई होता है, उसमें कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस ये हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो शेड्यूल्ड एरिया, ऑटोनोमस एरियाज या फिर ये जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो. तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं उनके पास डेफिनेटली ये पावर है ये डिसाइड करने की कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ये वहाँ पे अप्लाईकेबल है या फिर नहीं है. फिर आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. अब लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिफाइंड है, जो कि हमारे 7th शेड्यूल में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड्स थ्रीफोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के फॉर्म में थ्रीफोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का, यानी कि उन सारे सब्जेक्ट्स का जिनके ऊपर लेजिस्लेशन बनाया जा सकता है. फिर ये पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स है टू मेक द लॉस किन मैटर्स के ऊपर, उन मैटर्स के ऊपर जो कि आपके आते हैं यूनियन लिस्ट में. अब यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? यूनियन लिस्ट में आपके लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके मैटर करते हैं डिफेंस से, बैंकिंग से, फॉरेन अफेयर्स से, करेंसी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, एक्सेट्रा. तो ये जो आपके इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी एंड कॉइनेज है, एटॉमिक एनर्जी है, इन सारे मैटर्स पे लेजिस्लेट करने का पूरा पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पार्लियामेंट का है. फिर दूसरी आती है आपकी स्टेट लिस्ट. तो स्टेट लिस्ट के मैटर्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट करने का किसका अधिकार है? स्टेट लेजिस्लेचर का. तो स्टेट लेजिस्लेचर इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर
to legislate on the matters of the state list, which contains approximately 66 subjects like public health, agriculture, prisons, local government, fisheries, theatres, gambling and so on. और लेजिस्लेचर जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उसको अधिकार मिला हुआ है जो भी सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में उनके ऊपर लेजिस्लेट करने का. और ये जो आपके स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली 66 इन नंबर और ये डील करते हैं एग्रीकल्चर से, फिशरीज से, पब्लिक हेल्थ से, प्रिजन से, लोकल गवर्नमेंट से, इन सब चीज़ों से. फिर तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट. फिर बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट which contains 52 subjects like criminal law and procedure, marriage and divorce, etc. और फिर आपका आता है concurrent list. तो concurrent list में almost 52 subjects हैं और concurrent list के जो subjects हैं इनके ऊपर parliament और state legislature इन दोनों को ही अधिकार है कि वो legislate कर सकते हैं. और इसमें आपके कौन कौन से subjects आते हैं, जैसे कि population control आ जाता है, drugs आ जाता है, newspaper आ जाता है, criminal law and procedure आ जाता है, marriage and divorce आ जाता है, etc. तो ये जो मैटर्स हैं इनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है ताकि पार्लियामेंट और स्टेट ये दोनों के दोनों ही इन मैटर्स पे लॉ बना सकें. और अगर कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है विच डू नॉट फाइंड इट्स प्लेस इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, तो ऐसे में जो भी रेसिडुअरी पावर होगी वो किसके पास होगी, वो पार्लियामेंट के पास होगी एक किसी भी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट करने की जिसका मेंशन नहीं है इन तीनों लिस्ट में. फिर आपका आता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड. अब ये है कि कहाँ कहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि जो पार्लियामेंट है वो आपके स्टेट फील्ड में या फिर जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, ऐसा कब पॉसिबल है. तो जब राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू लेजिस्लेट ऑन अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट एंड दैट रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, द रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर. तो अगर राज्यसभा जो है एक रेजोल्यूशन पास करती है विच नीडेड टू बी पास्ड बाय द 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो है आपके पार्लियामेंट के प्रेजेंट इन वोटिंग, अगर वो उसको पास करते हैं रेजोल्यूशन को, अगर वो एक मैटर जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, सो इफ देर इज़ अ मैटर जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है और उसमें आप जो राज्यसभा है वो रेजोल्यूशन पास करता है और बाय 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग, तब वहाँ पे पार्लियामेंट को ये अधिकार होता है कि वो स्टेट लिस्ट के उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट कर सकें. और ये जो रेजोल्यूशन होता है ये लगभग 1 साल के लिए रहता है. फिर दिस प्रोविजन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द सेफ लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैनर. और ये जो प्रोविजन है ये स्टेट लेजिस्लेचर को उसी मैनर उसी मैटर के ऊपर लॉ बनाने से नहीं रोकता, यानी कि अगर राज्यसभा ने कोई रेजोल्यूशन को पास किया भी है इन ऑर्डर टू इनेबल द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट, लेकिन तब भी जो स्टेट है वो इस बात से मतलब उसने अपना अधिकार नहीं खोया है उस मैटर पे लेजिस्लेट करने का, वो भी कर सकता है. और ये जो रेजोल्यूशन है इस रेजोल्यूशन की लाइफ रहती है पूरे 1 साल तक. सो पूरे 1 साल तक एक रेजोल्यूशन की लाइफ रहती है. और अगर ऐसा कोई भी मैटर है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है और वहाँ पर राज्यसभा को लगता है कि इस स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर हमारे सेंटर को लॉ बनाना चाहिए, लेजिस्लेट करना चाहिए, तो वहाँ पर राज्यसभा is empowered to empower the parliament to legislate on that matter. दूसरा है during the national emergency. And definitely अगर national emergency proclaim हो गई है पूरी country में तो वहाँ पर भी parliament acquires the power to legislate on matters of the state list while proclamation of the national emergency is in operation. और अगर national emergency जो है वो proclaim हो गई है पूरी country में तब भी अंडर द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर भी पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर है कि जब तक नेशनल इमरजेंसी लागू है तब तक के लिए पार्लियामेंट के पास ही अधिकार होता है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी स्टेट के किसी भी स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, यानी कि लॉ बना सकते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी है. क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है कंट्री में तो वहाँ पे जो कंट्री है पूरी वो एक यूनिटरी फॉर्म में आ जाती है, वो एक सिंगल यूनिट बन जाती है. क्योंकि बात ही कही गई है जैसे कि नेशनल इमरजेंसी की, तो अगर कोई आपके ऊपर हमला हो जाता है इन द केस ऑफ द वॉर और द एक्सटर्नल अग्रेशन, तो ऐसे मैटर्स पे इस पूरे कंट्री का जो है वो एक यूनिटरी फॉर्म में यानी कि एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में एक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इन्हीं सारे प्रोविजंस को इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि ऐसे मैटर पे ये ना हो कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर ये कहे कि हमारे पास अधिकार है,
अपने मैटर्स के ऊपर खुद लेजिस्लेट करने का, और ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे स्टेट लिस्ट में आता है इसलिए आप उसके ऊपर बिल्कुल भी अधिकार नहीं बना सकते। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन को एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टाइम पर जहाँ पे एक डिस्प्यूट या स्ट्राइफ सेंटर स्टेट के बीच में बिल्कुल भी अकर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर किया है आर्टिकल 352 ने कि अगर नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे बिल्कुल पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट के किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं, और उस वक्त जो पूरी कंट्री है वो एक यूनिटरी फॉर्म में आ जाती है, एक सिंगल यूनिट फॉर्म में आ जाती है, और उस वक्त जो स्टेट्स हैं वो आप समझ लीजिए दे सीज टू एग्जिस्ट, कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। फिर द स्पेन स्टेट व्हेन टू और मोर स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट एंड दे पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू इनएक्ट द लॉज इन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट, और अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स, यहाँ पे टू और मोर स्टेट्स नहीं लिखा है लेकिन टू और मोर स्टेट्स होगा, जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से एंड दे पास द रेजोल्यूशन, और पार्लियामेंट से लेजिस्लेट रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाए ना कि वो खुद बनाए, तो ऐसे मामले में भी पार्लियामेंट के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के मैटर पे, या फिर स्टेट का जो भी सब्जेक्ट है उस मैटर के ऊपर पार्लियामेंट के पास ये अधिकार आ जाता है। तो पार्लियामेंट को अधिकार कब मिलते हैं उन मामलों के ऊपर लेजिस्लेट करने का जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, या तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे अगर कोई मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का है, या तो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई है पूरे भारत में, और या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो अपना रेजोल्यूशन पास करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मैटर ऐसा है जिसके ऊपर हम अलग अलग जो है लेजिस्लेट नहीं कर सकते, एक कॉमन इंटरेस्ट का मैटर है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप इसके ऊपर लॉ बनाओ। ठीक है, तो ये तीन ऐसे आपके मैटर्स हुए जहाँ पे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन हो सकता है स्टेट फील्ड में। फिर और भी कंडीशंस हैं जैसे कि टू इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट, और अगर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को इंश्योर करना है उनको इंप्लीमेंट करना है तो वहाँ पे भी स्टेट लिस्ट का अगर कोई मैटर है तो पार्लियामेंट उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है। एंड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, और जब स्टेट इमरजेंसी आ जाती है, जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तब भी पार्लियामेंट इस बार के लिए एम्पावर हो जाती है कि वो किसी भी मैटर के ऊपर जो कि स्टेट लिस्ट में आता है उससे रिलेटेड जो है लेजिस्लेट कर सकती है। सो पहला क्या है आपका, टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जितने भी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है तो उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है। और अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया है स्टेट में, यानी कि स्टेट इमरजेंसी लग गई है अंडर द आर्टिकल 356, अगर स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो काम नहीं कर रहा है और प्रेसिडेंट रूल लग गया है, तो वहाँ पे भी जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तब कहने के लिए तो प्रेसिडेंट बिकम्स द हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन तब भी जो पार्लियामेंट होता है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिंग बॉडी है वो तो पार्लियामेंट है और जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो लॉ मेकिंग बॉडी उनकी थी वो तो डिसॉल्व हो चुकी है, तो ऐसे में पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स है, लॉ मेकिंग का काम है, वो पार्लियामेंट अपने अंडर में ले लें। तो ये वो कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है कि वो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, उन मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकें जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंडर में आता है, या तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे, या तो नेशनल इमरजेंसी हो, या तो स्टेट इमरजेंसी हो, कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, और या फिर आपका जो है स्टेट दो या दो से ज़्यादा जो स्टेट हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन। अब ये कि स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर सेंटर का कितना कंट्रोल है हमें ये देखना होगा। तो ये कि बिसाइड्स द पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट डायरेक्टली ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर द एक्सेप्शनल सिचुएशंस, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स इन द फॉलोइंग वेज। अब कुछ ऐसे भी तरीके जहाँ पे कि पार्लियामेंट के पास तो पावर मिला हुआ है कि वो डायरेक्टली लेजिस्लेट कर सकता है उन स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, अगर कुछ जिसकी हम लोगों ने भी पिछले अभी बात की है तो वो हमारे कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस थे, सिचुएशंस थे जहाँ पे डायरेक्टली पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाता है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर्स द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेंटर को ये पावर भी दिया है कि वो एक कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके, यानी कि स्टेट के जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव काम है उनके ऊपर अपना कंट्रोल भी सेंटर रखता है। किस तरीके से, द गवर्नर कैन रिजर्व द सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर
for the consideration of the president and the president enjoys the absolute veto over them. कि अगर governor जो है वो certain type of the जो bill हैं जो state legislature ने pass किए हैं अगर उनको president की consideration के लिए reserve कर लेता है ये power governor के पास होती है that governor can reserve certain types of bills जिनको president को consider करवाना चाहते हैं president के consideration के लिए रखते हैं तो ऐसे में president के पास में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर कोई भी बिल आता है तो वहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पार्लियामेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए तो वहाँ पे प्रेसिडेंट उस बिल को सिर्फ और सिर्फ या तो विदहोल्ड कर सकता है या फिर एक बार वापस भेज सकता है कि आप इसको फिर से रिकंसिडर करिए और अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास गया चाहे उसमें कुछ चेंजेस हुए हों या ना हुए हों तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि वो अपना असेंट दें ही दें लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल आ रहा होता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में एब्सोल्यूट वीटो यानी कि उस बिल को असेंट ना देने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास में पूरा को पूरा होता है ये जो एब्सोल्यूट वीटो का पावर है ये प्रेसिडेंट के पास में किसी भी ऐसे बिल को लेकर के नहीं है जो कि पार्लियामेंट भेजता है ठीक है लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर से अगर कोई बिल आ रहा है तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास में एब्सोल्यूट वीटो का पावर होता है तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट जो है वो उस बिल को नकार सकता है अगर गवर्नर ने उस बिल को रिजर्व रख लिया तो ये एक तरीके का कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है कौन यूनियन गवर्नमेंट किसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर और इसीलिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के ऊपर कई बार जो है वो टेंशन क्रिएट होती है सेंटर और स्टेट के बीच में क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का कई बार ये एलिगेशन होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो यूनियन गवर्नमेंट है वो गवर्नर को अपने एजेंट की तरह भेजते हैं क्योंकि गवर्नर के पास भले ही इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट ही इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट लेकिन तब भी उनके पास इस तरीके की काफ़ी पावर्स होती हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि बिल्स को रिजर्व करने की प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए इस तरीके के पावर्स जो है गवर्नर के पास होती हैं और ऐसा करके वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो क्रियाकलाप है जो उनका कार्यक्रम है उसको थोड़ा सा हॉल्ट कर सकते हैं तो इसीलिए कई बार गवर्नर के अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन के ऊपर सेंटर और स्टेट के बीच में तनातनी हो जाती है फिर है दूसरा बिल्स ऑन द सर्टेन मैटर्स सच एज इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स नीड्स द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और अगर ऐसा कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करना चाहता है विच इज़ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो ऐसे मामले में भी प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए और प्रेसिडेंट किसके बेसिस पे कॉल करता है प्रेसिडेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट ऑलरेडी एक तरीके से एजेंट किसके हुए यूनियन गवर्नमेंट के हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए क्योंकि वो उनकी ही एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं तो अगर ऐसा कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करने की कोशिश कर रहा है जो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को खतरा पहुंचा सकता है तो वहां पे भी आपके प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन होना जरूरी है फिर है द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व द मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी अब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात आ जाती है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है जो अब तक हमारी कंट्री में नहीं आई है थैंकफुली लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर हो जाती है हमारी कंट्री में तो ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल ये अधिकार है कि वो जितने भी फाइनेंशियल और मनी बिल्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के ठीक है उनको जो है बोल सकती है कि वो उसे रिजर्व कर दे ठीक है तो उनके पास पूरा ये पावर होता है कि प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व द मनी बिल्स कि आप जो रिजर्व अपने जो मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स हैं उनको रिजर्व करके रखिए अभी आप पास नहीं कर सकते क्योंकि अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी है कंट्री में ठीक है तो ये तो था आपका पूरा जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्टेट तो सेंटर और स्टेट रिलेशंस के बीच में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट उसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन ओके थैंक यू